कॉमर्स ले रहे हो तो ये जान लो कि इस फील्ड में पैसे बहुत हैं, कॉमर्स में ही पैसा है जो इस, और कॉमर्स ले रहे हो तो लॉ अपनी बहुत अच्छी रखना, मैनेजमेंट तो तुम्हारा होगा ही होगा, लेकिन सारी चीज़ें बिना मैनेजमेंट का देखो कहीं भी बहुत पैसा मिलता है ना जब किसी को, तो उस बंदे के पास में दो स्किल पक्का होगी, मैनेजमेंट और फाइनेंस के साथ साथ में लॉ बहुत अच्छे से वो जानता होगा। और लॉ ऐसी फील्ड है कि ये करने के बाद या इसकी रिक्वायरमेंट हर फील्ड में है, आपको जहाँ जाना है और दुनिया के किसी कंट्री में जाना है, और भारत का कानून ऐसा है कि यहाँ पढ़ लेने के बाद 20-30% मैक्सिमम, 30% भी नहीं, मैं 15-20% कहूँगी, अगर बहुत कोई बच्चा ऐसा है कि अनस्किल्ड है बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है तो उसको लगेगा कि 30% और पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी दूसरे कंट्री में ना सेटल होने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और लॉ की ऐसी वो चीज़ है कि ले लेने के बाद ये सब्जेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट हर डिपार्टमेंट को है, महिला आयोग को लॉयर चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लॉयर चाहिए, किसी पॉलिटिशियन को लॉयर चाहिए, किसी कंपनी को लॉयर चाहिए, रेलवे है तो उसको चाहिए।